कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं डायनोमैन एंड द वॉल्ट। तो कहानी की शुरुआत में एक्चुअली आज ना इंट्रो था नहीं तो सीधे मूवी शुरू करनी पड़ रही है। तो मूवी की शुरुआत में हम डायलन नाम के एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि अपने घर के गैराज में अलग अलग सुपर हीरोज के कॉस्ट्यूम्स को ट्राई कर रहा होता है। एक्चुअली डायलन को सुपर हीरोज के कॉस्ट्यूम्स पहनना और उनकी कॉमिक्स को पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब कहें तो वो सुपर हीरोज का बहुत बड़ा फैन है। तभी डायलन बैटमैन के कॉस्ट्यूम में कुछ फोटोज क्लिक करता है और अपने बेस्ट फ्रेंड ब्रैडी को वो फोटोज सेंड कर देता है। बैटमैन के कॉस्ट्यूम को पहनकर उससे बताऊं क्या लगता है कि जैसे उसमें सच की पावर आ गई हो, इसीलिए वो वहां पर रखे हुए एक पंचिंग बैग में पंच करता है। एंड दोस्तों पंच करते ही डिसबैलेंस होने की वजह से वो सीधा जमीन पे गिर पड़ता है। उसी वक्त डायलन के ग्रैंडपा जिनका नाम जॉय है वो हॉस्पिटल से घर आए होते हैं क्योंकि उनके घुटनों में बहुत दर्द होता है जिस वजह से वो अच्छे से चल भी नहीं पाते। तभी उनकी नजर डायलन के कॉस्ट्यूम पे जाती है जिसको देखकर उन्हें भी अपने बचपन का समय याद आ जाता है कि वो भी इस तरह मौज मस्ती किया करते थे। उसी दौरान दोस्तों डायलन का डैड माइकल वहां पर आ जाता है और वो अपने डैड यानी जॉय का वेलकम करते हुए कहता है कि आइए अंदर आ जाइए। एक्चुअली ये डायलन सुपर हीरोज का बहुत बड़ा फैन है ना, इसलिए इसने इस तरह के कॉस्ट्यूम पहने हैं। आगे वो ये भी कहता है कि अब से आप हमारे साथ ही रहेंगे जब तक आपके घुटने ठीक ना हो जाए पापा। फिर दोस्तों वो मूवी के चाहने वालों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाका ऑफर। नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर भारी भरकम छूट आपके सामने अभी प्लान लिखे हुए है। अगर आपको हमारे प्लान चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए संपर्क करें। उनके घर के अंदर चले जाते हैं जहां हेलन जो कि माइकल की वाइफ है वो उनका घर में अच्छे से वेलकम करती है, अपने ससुर जी का मतलब। कहती है कि आप एक काम कीजिए, डायलन के कमरे में रह लीजिए और डायलन अपने बड़े भाई ब्रायस के साथ रूम शेयर कर लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों इसका कारण ये है कि उनके घर में ज्यादा कमरे नहीं होते। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉय डायलन के कमरे में जाता है। अब डायलन अपने ग्रैंडपा जॉय को वहां कुछ सुपर हीरोज के कलेक्शन दिखाता है और साथ ही साथ अपने कुछ सुपर हीरोज पे लिखे हुए कॉमिक्स भी। अब दोस्तों जॉय डायलन से कहता है कि बेटा तुम अभी यहां से जाओ, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। और डायलन भी अपना सामान लेके ब्रायस के रूम की तरफ जाने लग जाता है जहां ब्रायस अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर रहा था दोस्तों। और ये भाई साहब डायलन ये ब्रायस के कमरे को बिना नॉक किए चले जाते हैं। ब्रायस कहता है कि अरे तुम्हें नॉक करना नहीं आता क्या, एक काम करो थोड़ी देर के बाद आओ। लेकिन डायलन उसको कहता है कि मॉम ने मुझे तुम्हारे साथ रूम शेयर करने के लिए कहा है क्योंकि अब से ग्रैंडपा जॉय मेरे रूम में रहेंगे। लेकिन दोस्तों ब्रायस को तो अभी सिर्फ एंजॉय करना था, वो कह देता है कि अभी के लिए तो बाहर जाओ। डायलन उसकी बात मानते हुए चला जाता है। अब रात को हम देखते हैं कि डायलन जो कि सोफे पे सो रहा है जहां वो अपने बेस्ट फ्रेंड ब्रैडी को मैसेज करता है कि यार मेरे ग्रैंडपा आए और उन्होंने मेरा रूम ले लिया है, बताओ मुझे सोफे पे सोना पड़ रहा है। और दोस्तों इसी दौरान वहां पर डायलन के डैड माइकल आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि यहां पर क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें तो ब्रायस के रूम में सोना चाहिए था ना। डायलन कहता है कि मैं यहीं पे कंफर्टेबल हूँ पापा, मुझे यहाँ सोने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइकल डायलन को गुड नाइट कह के वहाँ से सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि माइकल के जाने के बाद ही डायलन कंबल ओढ़ के फोन का लाइट ऑन करके अंदर ही सुपर हीरोज का ड्राइंग बनाने लग जाता है। बताओ कितना बड़ा फैन है यार। अगली सुबह हम देखते हैं कि जॉय सिबल नाम के एक ट्रेनर से कुछ एक्सरसाइजेस की टिप ले रहा होता है जिससे कि उसके घुटने के दर्द ठीक हो जाए। अब आगे देखते हैं तो जॉय एक चेयर पे बैठा होता है तभी सारे घर वाले बाहर जा रहे होते हैं जहां माइकल तो हेलन के साथ घूमने जा रहा होता है और दूसरी तरफ डायलन और ब्राइस भी किसी काम से घर के बाहर जा रहे होते हैं। तभी माइकल ब्राइस से कहता है कि बेटा तुम आते हुए डायलन को स्कूल से लेकर आ जाना क्योंकि शायद हमको देर हो जाएगी। लेकिन डायलन जवाब देते हुए कहता है कि पापा वो ये नहीं कर पाएगा क्योंकि आज उसका स्पोर्ट्स का प्रैक्टिस है और शायद उसकी प्रैक्टिस में काफी लेट हो जाएगी तो वो मुझे लेने नहीं आ पाएगा। तभी दोस्तों जॉय माइकल से कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, मैं इसको डायलन को लेकर आ जाऊंगा स्कूल से, तुम फिक्र मत करो, वैसे भी मुझे कार से ही तो जाना है। आगे दोस्तों डायलन स्कूल में अपने दोस्त ब्रैडी से मिलता है जहां ब्रैडी उसे बताता है कि पता है भाई आज मैं डांस प्रैक्टिस करने जा रहा हूं, क्या मेरे साथ चलेगा। अब ब्रैडी माया को देखकर डायलन से कहता है कि हम बाद में बात करेंगे ठीक है। बस दोस्तों इसके बाद वो माया के पीछे पीछे भागते हुए चला जाता है। अब यहाँ हम जॉय को देखते हैं जो कि अपनी फैक्ट्री में आया है और इसी फैक्ट्री में वो घुटनों की इंजरी से पहले काम करता था। वहाँ वो अपने बॉस से कहता है कि बॉस मैं वापस ज्वाइन करना चाहता हूँ। उसका बॉस कहता है कि अरे तुम अब काम नहीं कर सकते, अपने घुटनों की हालत तो देखो पहले, एक काम करो तुम रिजाइन दे दो, इससे होगा ये कि तुम्हें हर महीने पेंशन तो मिलती रहेगी, बाकी तुम घर पर अपनी जिंदगी बिताओ जाओ। अब जो यहाँ पर ये सोचता है कि शायद अब मुझे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, जिसके बाद वो फैक्ट्री से डायलन को लेने के लिए अपनी कार से उसके स्कूल जाता है। अब दोस्तों डायलन स्कूल के बाहर बैठ के ड्राइंग बना रहा होता है, मतलब 24 घंटे ड्राइंग ही बनाता रहता है ये। तभी
वहाँ पर जोई भी पहुँच जाता है और फिर वो डैलन को लेकर घर आ जाता है। अब होता ये कि घर के अंदर जाते वक्त डैलन की नजर उसके घर के बाहर वाले पोस्ट बॉक्स पे जाती है जिसमें एक पार्सल बॉक्स रखा होता है। डैलन तुरंत जाके उसको ले लेता है। उसी वक्त जोई की नजर भी उस पार्सल पे जाती है। फिर वो डैलन से उस पार्सल को लेके खोलने को कहता है एंड दोस्तों खोलने के बाद ना उसमें से एक रिंग नजर आती है। अब इसको देखकर जोई डैलन को बताता है कि बेटा मैं भी एक टाइम पे सुपर हीरोज का बहुत बड़ा फैन था, साथ ही साथ मेरे पास भी काफी सारे कॉमिक्स थे। अब दोस्तों वो बातों बातों में ही उस पार्सल को देखकर चौंक भी जाता है क्योंकि उसने ये रिंग एक कॉमिक बुक में देख के ऑर्डर किया था, वो भी 60 साल पहले। और बताओ अब जाके वो पार्सल हुआ है, है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों। चलिए और मजा आने वाला है। जिसके बाद जोई डैलन को अपने साथ गैराज में लेकर जाता है उस कॉमिक को ढूंढने के लिए जो कि उसने माइकल को काफी सालों पहले दी थी। एंड काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें वो कॉमिक मिल भी जाती है। तब जोई डैलन को कॉमिक के अंदर डायनामो नाम के एक सुपर हीरो के बारे में बताता है जिसके पास ऐसे ही 3 रिंग होते हैं जिनमें से एक रिंग ताकत देता है, एक स्पीड देता है और तीसरा उड़ने की शक्ति देता है। तो ये सारी चीजें सुनकर डैलन के अंदर एक तरफ से जोश आ जाता है और वो उस रिंग को पहनने का ट्राई करता है। पर दोस्तों वो रिंग उसकी उंगली में आती ही नहीं, जिस पर वो जोई को उसे पहनने के लिए कह देता है कि शायद उनकी उंगली में फिट आ जाए। डैलन के कहने पर जोई उस रिंग को अपनी उंगली में पहन लेता है और हैरानी की बात तो ये होती है कि वो रिंग उसकी उंगली में फिट भी हो जाती है जबकि उसने 60 साल पहले इस रिंग के साइज को ऑर्डर किया था। और बताओ अभी भी उसकी उंगली में फिट आ रही है आराम से। वैसे मुझे पता नहीं 60 साल में उंगली में कोई फर्क आता है कि नहीं, घर छोड़िए। उसी वक्त डैलन जोई से कहता है कि शायद इस रिंग में भी शक्ति होगी। जवाब देते हुए जोई उससे कहता है कि बेटा ये सब कहानियों में होता है, ये असल जिंदगी में नहीं होता। और जोई की बात सुनकर डैलन नाराज होकर वहाँ से भागते हुए अपने कमरे में चला जाता है। अब आगे उसी रात को सभी मिलकर डिनर कर रहे होते हैं जहाँ डैलन नहीं होता और वो अपने डिनर अपने कमरे में खा रहा होता है। एंड उसी वक्त दोस्तों घर वालों की नजर जोई की रिंग पे जाती है जहाँ जोई अपनी रिंग सभी को दिखाते हुए कहता है कि ये एक पार्सल में आई थी। तभी दोस्तों डैलन भी अपना खाना लेके वहाँ पर आ जाता है। उसी वक्त डैलन की नजर रिंग पे जाती है कि अचानक से उस रिंग में लाइट आ जाती है। उसी समय ब्राइस के हाथों में जो फुटबॉल होता है वो सीधे उड़ के जोई के हाथ में आ जाती है और फिर जोई जैसे ही अपने हाथों से बॉल को दबाता है वो बॉल पूरी तरह से फट जाती है एकदम। जोई की ये ताकत देखकर सभी घर वाले काफी चौंक जाते हैं कि अचानक इनमें इतनी पावर कहां से आ गई। लेकिन दोस्तों वहीं जोई और डैलन को इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये सब कुछ उस रिंग की वजह से हो रहा है, जरूर उस रिंग में कोई ना कोई शक्ति तो है। इसके बाद हम जोई और डैलन को गैराज में देखते हैं जहां अब जोई को भी रिंग की शक्तियों के बारे में पता चल गया है। तभी डैलन जोई को वहां रखे हुए पंचिंग बैग में पंच करने के लिए कह देता है और उसके कहने पर जोई भी इस बुढ़ापे में उस बैग पे जैसे पंच करता है वो पंचिंग बैग जोई के पंच करने से एक ही पल में टूटकर बिखर जाता है और डैलन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अब इस रिंग की वजह से जोई के घुटने का जितना भी दर्द था सब कुछ ठीक हो जाता है। अब हम देखते हैं जोई अपनी फैक्ट्री में जाके एक बड़े से लकड़ी के पार्ट को उठा के अकेले लेके जाता है। उसे ऐसा करते हुए सभी वर्कर्स देखकर चौंक जाते हैं कि अचानक इस बूढ़े में इतनी शक्ति कहां से आ गई। दोस्तों अगले दिन की बात है, डैलन स्कूल में जाता है और ये सभी बातें ब्रैडी को बताने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसके क्लासमेट के सभी बच्चे उसको चिढ़ाने लग जाते हैं क्योंकि ब्रैडी ने सभी को डैलन के बैटमैन वाले कॉस्ट्यूम के बारे में पूरा बता दिया था कि इसने एक दिन बैटमैन वाला कॉस्ट्यूम पहना और ये पंचिंग बैग में मार रहा था और बेचारा नीचे गिर गया, इसका उसका कुछ नहीं है। मतलब दोस्तों सभी उसकी बेइज्जती कर देते हैं। साथ ही साथ उसने डैलन के उस फोटो को सोशल मीडिया पे भी डाल दिया था। डैलन अब ब्रैडी से काफी नाराज हो जाता है कि ये तो बेइज्जती करने पे तुला हुआ है और कहता है कि देखो मुझे तुमसे कभी बात नहीं करनी अब। इतना कह के डैलन स्कूल से अपने घर लौट आता है। अब हम देखते हैं कि डैलन अपने कमरे में अकेला बैठा है और काफी दुखी भी है कि आज उसकी बहुत बेइज्जती हुई। उसी वक्त उसके ग्रैंडपा जोई वहां पर आ जाते हैं। अब डैलन को ऐसा दुखी होते हुए देखकर वो उससे उसके पीछे का कारण पूछते हैं। डैलन उनको सब कुछ बताता है कि आज मेरे साथ स्कूल में ये हुआ, सभी ने मेरा मजाक उड़ाया, इस तरह वो सारी चीजें बताता है। तब जोई उससे कहते हैं कि बेटा क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। अब जवाब में डैलन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे प्रिंसिपल की कार को उठा के स्कूल के रूफ पे रख दो और मैं सबको ये बताऊंगा कि मैंने ये किया है, जिससे होगा ये कि सभी बच्चे मुझे काफी ताकतवर समझने लगेंगे। दोस्तों जोई भी ये करने के लिए तैयार हो जाता है और वो उससे प्रॉमिस भी करता है कि वो ऐसा जरूर करेगा। अब हम जोई को देखते हैं जो कि बड़ी आसानी से फैक्ट्री में सभी काम को कर रहा होता है, जहां उसको देखकर बाकी वर्कर्स तो पहले चिढ़ते भी हैं और हैरान भी रह जाते हैं कि इसमें इतनी ताकत कहां से आ गई। मतलब दोस्तों वो सभी वर्कर्स का काम लगभग अकेले कर रहा था। आगे जो अपना काम खत्म करके बड़ी तेजी से भागते हुए डैलन के पास जाता है जहां दोनों मिलकर पहले काफी सारी बातें करते हैं कि कैसे उन्हें उस कार को स्कूल के रूफ तक लेकर जाना है और किस वक्त उनको ये काम करना है। जिसके बाद जोई वापस अपने काम पे लग जाता है जहां उसका बॉस एक लेडी से बात कर रहा होता है। तभी जोई भी वहां पहुंच जाता है
और उससे पता चलता है कि उस लेडी को अपने रेस्टोरेंट के लिए 2 दिनों में कुछ टेबल्स चाहिए, क्योंकि जल्दी उनके रेस्टोरेंट की ओपनिंग है और इसे बनाने में काफी टाइम लगेगा। बस दोस्तों, जोई का बॉस उस लेडी को साफ साफ मना कर देता है कि अभी तो हमारा ऐसे ये हो नहीं सकता, क्योंकि इसको बनाने में काफी टाइम लगेगा 1 दिन में। लेकिन तभी जोई, जो कि सभी बातें सुन रहा था, वो उस लेडी से कहता है कि नहीं नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, आपको कल तक टेबल्स मिल जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। अब ये सुनकर वो लेडी तो खुश हो जाती है, लेकिन उसका बॉस शॉक में हो जाता है कि ये करेगा कैसे, और इस तरह टेबल का कॉन्ट्रैक्ट उनको देकर वो औरत चली जाती है। लेकिन दोस्तों, उसका बॉस अभी भी टेंशन में है कि जोई ने ये टेबल का कॉन्ट्रैक्ट तो ले लिया, लेकिन अगर ये काम नहीं हुआ तो वो उस लेडी को क्या मुंह दिखाएगा। लेकिन जोई अपने बॉस से कहता है कि बॉस, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं सब कुछ संभालूंगा। इसके बाद होता ही ऐसा है दोस्तों, जोई सिर्फ कुछ ही घंटों में जितने टेबल्स के ऑर्डर्स थे सभी को अकेले बनाकर रख देता है, जिसको देखकर उसके बॉस को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। दूसरी ओर हम हेलन को देखते हैं, जो कि माइकल से कहती है, सुनो डैलन काफी उदास दिख रहा है आजकल। साथ ही साथ कुछ दिनों से डैलन और जोई काफी अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। तो माइकल भी डैलन के पास जाकर पूछ लेता है कि बेटा क्या हुआ, इतने उदास क्यों आजकल। जिसके जवाब में डैलन अपने डैड को सारी चीजें बता देता है कि ग्रैंडपा की उंगली में जो रिंग है उस रिंग में सुपर पार्ट्स हैं, और वो जो भी कुछ कर पा रहे हैं उस रिंग के पार्ट्स की वजह से ही कर पा रहे हैं। ये सुनकर दोस्तों माइकल और हेलन काफी शॉक हो जाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है, पर डैलन उन दोनों को यकीन दिलाता है कि हाँ, उस रिंग की वजह से जोई इतने सारे हैरान कर देने वाले काम कर रहा है, वो भी अकेले। और तभी हम डैलन के चेहरे पर जोई को लेकर नाराजगी भी देख पाते हैं, क्योंकि जोई ने उसे वादा किया था कि वो उसके स्कूल के ऊपर उसके प्रिंसिपल की कार को रखने में मदद करेगा, और उसके ग्रैंडपा ने अब तक वो काम किया ही नहीं, उसको इनडायरेक्टली टाल रहे हैं वो। जिसका साफ कारण था कि डैलन दोस्तों अभी बच्चा है और उसे नहीं पता कि वो क्या कह रहा है, मतलब प्रिंसिपल की कार छत में रखना यार बच्चों वाली बात है, और दादाजी तो इतने बड़े एक्सपीरियंस्ड आदमी है तो वो ऐसे थोड़ी काम करेंगे बच्चों के बोलने पर कुछ भी मतलब। इसलिए जोई डैलन से थोड़ी दूरी बनाकर रखता है ताकि वो मुझसे बच्चों वाली रिक्वेस्ट न करे कि अब ये कर दो वो कर दो। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइकल जोई की फैक्ट्री में उनसे मिलने जाता है, जहां सभी वर्कर्स रेस्टोरेंट के काम को जल्दी खत्म होने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। माइकल अपने डैड के पास जाके उनसे कहता है कि डैलन को आपकी जरूरत है पापा, और आप यहाँ पर बताओ पार्टी कर रहे हो, पता है वो घर पर कितना दुखी बैठा है, शायद आपने उसे कुछ प्रॉमिस किया होगा और अभी किया नहीं आपने, आप शायद भूल चुके हो। साथ ही साथ दोस्तों वो उनसे बड़े रूड बिहेव करता है, कहता है कि आपको घर आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको डैलन और अपने परिवार की कोई परवाह नहीं है, आप ये नहीं देख रहे कि आपका पोता आपके साथ कितना समय बिताना चाहता है, और आप हो कि यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं। माइकल दोस्तों पता नहीं एक गंवार की तरह सारी बातें कहकर चला जाता है कि तभी रिंग की पावर खत्म होने की वजह से जो अचानक जमीन पे गिर जाता है, और अब वो रिंग चमकना भी बंद कर देती है, लगता है उसकी शक्ति चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि डैलन उसी कॉमिक बुक को ओपन करता है, जहां उसे उस कॉमिक में एक दूसरे कैरेक्टर के हेलमेट दिखाई देती है जिसमें सुपर पावर्स होते हैं। इसके बाद वो अपने गैराज में जाके वैसे सेम टू सेम हेलमेट बनाने में लग जाता है जैसे कि उस कॉमिक कैरेक्टर के पास थी। तभी हम देखते हैं कि वो हेलमेट भी दोस्तों चमकने लग जाता है, यानी कि उस हेलमेट में भी सुपर पावर्स आ गई है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये हुआ कैसे, तो इसका जवाब है कि डैलन ने हेलमेट बनाते हुए जो दोनों साइड में वुडन पीसेस लगाए होते हैं वो उसी टेबल के वुडन पीसेस हैं दोस्तों, जिस टेबल को जोई ने उस रिंग की पावर से तोड़ा था, समझ गया आप। और इसे हुआ ये कि उन वुडन पीसेस में भी वो पावर्स आ गई, और अब डैलन ने उसको अपना हेलमेट में लगाकर उससे भी मैजिकल हेलमेट बना दिया है। इसके बाद डैलन उस हेलमेट को पहन के वहाँ से अपने स्कूल जाता है क्योंकि आज हैलोवीन है। इसी बीच हम जोई को देखते हैं जो कि वापस घर पे आता है और डैलन को ढूंढने में लगा होता है ताकि वो उसको रिंग दे सके, क्योंकि अब उस रिंग में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। जोई डैलन को ढूंढते हुए गैराज में जाता है पर वहाँ डैलन होता ही नहीं। तभी जोई की नजर उस कॉमिक और वहाँ पर रखे हुए इक्विपमेंट्स पे जाती है। जोई समझ जाता है कि डैलन ने जरूर उस हेलमेट को बना दिया है, जिसके बाद वो रिंग को वहीं गैराज में फेंक कर वहाँ से ब्राइस के रूम में जाता है और उससे पूछता है कि डैलन कहाँ पर है। ब्राइस कहता है कि आज हैलोवीन है इसलिए वो उसे सेलिब्रेट करने के लिए अपने स्कूल गया है। और ये बात सुनते ही दोस्तों जोई समझ जाता है कि जरूर डैलन उन पावर्स को गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा जिससे उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए दोस्तों वो जल्दी से डैलन को ढूंढने के लिए स्कूल पहुंच जाता है। इसी बीच हम माइकल को देखते हैं जो गैराज में आया है, जहां उसकी नजर जमीन पर गिरी भी उस मैजिकल रिंग पे जाती है। आगे डैलन स्कूल में वही कर रहा होता है जो कि उसने सोचा था। आपको भी पता है क्या सोचा था, वो अपने प्रिंसिपल की कार को रोप से बांध के सुपर पावर्स की मदद से खींच के रूफ पर लाने की कोशिश कर रहा होता है, पर जैसे कार रूफ के बीचों बीच आ जाती है तभी अचानक से उसका हाथ स्लिप हो जाता है और कार का डोर खुला रहने की वजह से वो कार के अंदर जाके गिर पड़ता है। साथ ही साथ उसका हेलमेट उसके सर से फिसलकर नीचे गिर जाता है
वो भी टूट कर दोस्तों। डायलन अब बड़े खतरे में है दोस्तों, क्योंकि अब उसको बचाने के लिए उसके पास कोई मैजिकल चीज नहीं है, और साथ ही साथ अगर वो कार से फिसल कर नीचे गिरा तो मर जाएगा। अब डायलन जो कि कार में फंसा हुआ है और कार जो कि बीच में लटकी हुई है, तो यहाँ पर तो ऐसी सिचुएशन हो गई है कि अगर वो बचने की कोशिश भी करेगा तो कार के साथ जमीन पे गिर जाएगा, साथ ही साथ रस्सी भी इतनी मजबूत नहीं है कि वो उसको झेल पाए। उसी वक्त दोस्तों जोई वहाँ पर पहुँच जाता है और देखता है कि डायलन कार में फंसा हुआ है, जिस पर वो उसे बचाने के लिए स्कूल के रूफ पर जाता है और वहाँ से बड़े आराम से कार के अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि कार गिरने वाली होती है और इन दोनों के बचने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं कि तभी ये दोनों एक दूसरे को जोर से पकड़ लेते हैं और कार नीचे जाती है दोस्तों। लेकिन कार के गिरने पर भी इनको कुछ नहीं होता, क्योंकि नीचे से माइकल कार को उड़ा के पकड़ा हुआ था, जिससे इन दोनों की जान बची है। और ये कैसे हुआ? असल में माइकल ने उस रिंग को पहन लिया था जो कि उसने गैराज में गिरी हुई देखी, इसी वजह से उस रिंग की पावर माइकल में आ गई और सही टाइम पे पहुंचते ही उसने ये सारी चीजें सही कर दी, मतलब दोनों की जान बचा ली। तो अब आप सोच रहे होंगे कि रिंग की पावर खत्म क्यों हुई और वो वापस कैसे आई? तो इसका जवाब है, लगातार बहुत समय से रिंग को यूज करने से उसकी पावर चली जाती है, जो कि कुछ समय ना यूज करने से उसकी पावर रिचार्ज हो जाती है दोस्तों। जिसके बाद माइकल उस कार को उसी रूफ पे लैंड कर देता है और फिर ये दोनों सेफली कार से बाहर भी आ जाते हैं। तब जोए माइकल को गले लगा लेता है और फिर माइकल इन दोनों को अपने साथ उड़ा के घर लेकर आता है और कार रूफ पे ही छोड़ जाती है। अब इन सभी चीजों को देखकर वहाँ खड़े सभी बच्चे ये सोचने लगते हैं कि कहीं हम कोई सपने में तो नहीं है, ये सुपर पावर्स कहाँ से आ गई? उसी वक्त स्कूल का प्रिंसिपल भी ये देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी कार वहाँ रूफ पे कैसे पहुंची ये उसको पता ही नहीं चल रहा था, जहाँ सभी बच्चे उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि माइकल, जोए और डायलन सभी मिलकर उस रिंग को जमीन में दफना देते हैं, जहाँ जोए सभी से कहता है कि हमें कोई पावर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि किसी दिन ये रिंग हमको मुसीबत में डाल सकती है, इसलिए इसको दफनाना ही सही होगा। जिसके बाद वो रिंग को जमीन में दफना के अपने घर आ जाते हैं, पर जहाँ रिंग को दफनाया होता है वहाँ पर हम एक छोटा सा पौधा उगते हुए देखते हैं और वो भी चमक रहा होता है दोस्तों, यानी कि रिंग की कुछ पावर्स उस पौधे में आ गई है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।